आसमान आज पूरी तरह साफ है। अभी आपको नीचे से ही दिखा रहा हूँ, ये देखो पतंगबाजी हो रही है, लोग पतंग उड़ा रहे हैं। और वैसे ही जैसे स्पीकर कल लगे हुए थे, वैसे भी स्पीकर कई जगह पे लगे हुए हैं। फिर से अली बाबा की गुफा में एंट्री करने का प्रोग्राम बन गया। ये अली बाबा की गुफा है, एंट्री करके हम लोग मॉल पहुँच गए। एमबीडी मॉल आ गया अपना ऊपर, ये देखो ये आगे नहीं। अब इस पर सबसे जबरदस्त जो है ये वाला है लोगो BMW का, सबके न्यू शूज। एक मिनट, न्यू पिंच, न्यू पिंच, थैंक यू, न्यू पिंच, सबको न्यू पिंच तो बनती है भाई। एक गोल गप्पे खाए जा रहे हैं, असलियत सामने आती हुई। हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब, की हाल चाल। मैं हूं आपका होस्ट जगजीत सिंह। चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। दोस्तों आज दिन है 14 जनवरी का, संडे है। कल लोहड़ी धमाके के साथ निकली, अपने लास्ट व्लॉग में देख लिया। देश के कुछ हिस्सों में इसे मकर संक्रांति कहा जाता है, पंजाब में माघी के नाम से मनाया जाता है। और अगर दूसरे इंडिया के दूसरे पार्ट्स में देखा जाए तो अलग अलग नाम से आज के दिन को मनाया जाता है। कहीं पे इसको बिहू कहा जाता है, कहीं पे इसको पोंगल कहा जाता है। तो आज का दिन पंजाब से कैसे रिलेट करता है, मैं आपको इसका छोटी सी हिस्ट्री बहुत कम लफ्जों में बताना चाहूँगा। जब अनंतपुर साहब में मुगलों ने घेरा डाला हुआ था, तो वहाँ पे कुछ सिख ऐसे भी थे जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी को प्रेशराइज करने की कोशिश की कि हम यहाँ से निकल जाएं, बट गुरु जी की मर्जी नहीं थी। तो वो लोग अड़ गए कि ठीक है हम यहाँ से चले जाएंगे, आपको नहीं जाना तो मत जाओ। तो गुरु जी ने एक ही बात कही कि ठीक है आप कम से कम मुझे इतना लिख के दे जाओ कि आप मेरे सिख नहीं हो और मैं आपका गुरु नहीं हूँ, तो आप जा सकते हो, यू आर फ्री। सिखों ने लिख के दे दिया गुरु गोविंद सिंह जी को, एक लेटर लिखा, उसमें 40 लोगों ने साइन कर दिए कि हाँ हम आपके सिख नहीं हैं और आप हमारे गुरु नहीं हो, तो हम यहाँ से जा रहे हैं। जब ये बात करके वो लोग अपने अपने घरों में पहुंचे, तो उनकी घरवालियों ने या उनके घर पे के जो लेडीज थी उन्होंने उनके ऊपर चूड़ियां फेंकी कि ये लो आप चूड़ियां पहन के बैठ जाओ, अगर आप गुरु के साथ खड़े नहीं हो सके तो आप हमारे भी कुछ नहीं लगते। जब ऐसे उनको धिक्कारा गया, उनको लानते पड़ी एक तरह से, तो वो लोग अपने इस किए पे बहुत शर्मिंदा हुए। गुरु गोविंद सिंह जी अनंतपुर का किला छोड़ के आ चुके थे, तो वो इस टाइम इन दिनों पे थे मुक्सर में, एक जगह, इसका पुराना नाम तो मुझे नहीं पता लेकिन आज उसे मुक्सर कहा जाता है। उसका भी रीजन है कि उस जगह का नाम मुक्सर क्यों पड़ा। गुरु गोविंद सिंह जी का पीछा करते 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 मुगल फौज वहां पे पहुंच गई और वहां पे जहां पे गुरु गोविंद सिंह जी थे उस जगह को घेरा डाल दिया। तो वहां पे लड़ने के लिए और सिख तो आ ही आए, साथ में ये 40 सिख भी आगे आ गए लड़ने के लिए, और लड़ते लड़ते इन्होंने अपना बलिदान दे दिया। इनमें से सिर्फ एक महासिंह जी थे जो बचे थे। वो जब गुरु गोविंद सिंह जी ने देखा कि मुगल सारे भाग गए हैं लेकिन मेरे सिख काफी शहीद हो गए, तो गुरु गोविंद सिंह जी नीचे उतर के आए गए उस जगह से। उन्होंने देखा कि जो लास्ट सिख उसमें बचा था, जिसमें जिसके थोड़े श्वास चल रहे थे अभी, तो गुरु गोविंद सिंह पातशाह जी ने उसको अपने जांघ के ऊपर लिटाया। गुरु गोविंद सिंह पातशाह जी को एक अर्ज बेनती की कि जो बेदावा हम आपको लिख के दे के आए थे, बस आप इतनी कृपा करो कि वो बेदावा फाड़ दो, हम अपनी गलती की माफी मांगते हैं, हमें माफ कर दीजिए। गुरु गोविंद सिंह जी जिन्होंने सर्वस्व दान किया वो इतने दानी और इतने दिल के अच्छे थे, उन्होंने उसी टाइम वो बेदावा निकाल के फाड़ दिया और उसी टाइम उस जगह का नाम मुक्सर रखा, जहां पे 40 मुक्ते हुए, मतलब 40 शहीद हुए। इतनी बड़ी उनको पदवी दी गई कि जिस वजह से आज की डेट में सिख इतिहास में उन 40 मुक्तों का नाम जो है बहुत ही इज्जत और आदर से लिया जाता है। इसीलिए आज का दिन जो है पंजाब में या सिखों में भी काफी हर्षोल्लास से और काफी जोश से मनाया जाता है। तो ये थी आज की छोटी सी हिस्ट्री। अभी आज भी पतंगबाजी जबरदस्त हो रही है भैया। मैं तो सबसे पहले जा रहा हूँ अपने गुरुजी के दर्शन करने के लिए। एज अ सिख मुझे अपने गुरु के दर्शनों से ऊपर कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग पूरा फैमिली चल रही है, करण सिंह चला गया कहीं और, तो अभी हम लोग चल रहे हैं गुरु जी के दर्शन करने के लिए श्री बैनी सर। तो आपको भी लेके चलता हूँ, चलते हैं कुछ दर्शन करते हैं, उसके बाद तो अपना कुछ थोड़ा बहुत जो एंजॉय करना है आज के दिन का वो भी करते हैं। आसमान आज पूरी तरह साफ है, अभी आपको नीचे से ही दिखा रहा हूँ, ये देखो पतंगबाजी हो रही है, लोग पतंग उड़ा रहे हैं। और वैसे ही जैसे स्पीकर कल लगे हुए थे, वैसे भी स्पीकर कई जगह पे लगे हुए हैं। ये आप सामने चेक करो, ये देखो हमारे पड़ोसी जो है आज भी पतंगबाजी छत पे चढ़ के कर रहे हैं, हम अभी नहीं कर रहे, देखते हैं आगे थोड़ा सा अगर टाइम लगा तो करेंगे, क्योंकि और हमारे बहुत से प्लान है आज। अभी दोस्तों पहुँच तो गए हैं पैनी साहब, बट प्रॉब्लम यह है कि रश इतना ज़्यादा है, गाड़ी लगाने की जगह नहीं मिल रही। पिछले 15 मिनट से मैं जगह ढूंढ रहा था गाड़ी लगाने के लिए, आपको आगे चल के दिखाता हूँ रश कितना है, बहुत बुरी हालत है यार। तो ठीक है, एक दिन है तो अब उस दिन पे सभी ने दर्शन करने तो आना ही है, हम अकेले थोड़ी हैं। ये आप चेक करो, दूर तक नज़र मारेंगे
तो सामने अपने को नजर आएगा गाड़ियां गाड़ियां लगी हुई। लो भाई फिर से अली बाबा की गुफा में एंट्री करने का प्रोग्राम बन गया। ये अली बाबा की गुफा है, एंट्री करके हम लोग मॉल पहुंच गए, एमबीडी मॉल। अब यहाँ पे टिकट लेके गाड़ी पार्क करके फिर आगे चलते हैं। कुछ जो हमारी शॉपिंग पेंडिंग रह गई थी उसको आज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। चलो अब देखते हैं पार्किंग कहाँ पर मिली थी। जिस हिसाब से आज गाड़ियाँ लगी हुई हैं ना, मुझे लग रहा है आज तगड़ी जद्दोजहद होने वाली है गाड़ी की पार्किंग ढूंढने में। But let's see. Oh, अच्छा उन्होंने भी देखो पहले ही ब्लॉक करके रखा हुआ है कि अगली पार्किंग में जाओ। चलो ये गुफा में एक और मंजिल नीचे जाएंगे। पार्किंग तो मिल गई, अब लोअर बेसमेंट में आए हैं यार। अपर बेसमेंट में तो जगह ही नहीं है। हाँ खुल जा सिम सिम, अली बाबा की गुफा में तो आ ही गए हम लोग भाई। इतनी जल्दी नहीं, हमने भी जाना है। अभी ग्राउंड पे जाएंगे क्योंकि माता जी और सिमरन कौर मैडम शॉपिंग पे लगी हुई है। देखते हैं क्या करते क्या नहीं। क्या हुआ बार को समझ नहीं आया इनको। चलो देखते हैं चल के। बाहर ठंड लगी होगी उन्हें। क्या हुई कर ली शॉपिंग? ऐदा चा शॉपिंग होगी? क्या शॉपिंग की? रग भी सी देखे तो मुझे एक बात बताओ, दिन वहाँ पे हीटर चला के बैठे गए कोई आपके लिए? भाई आज तो मॉल में भी बहुत रौनक है, इतनी तो जब परसों आए थे तब नहीं थी, आज रौनक ज़्यादा है। प्यूमा में मैंने एक स्वेटशर्ट ऑर्डर की थी, ये सगादी की तो मिल गई थी, मुझे मिली नहीं थी तो आज वो पिक करने आए हैं। चलो वो पिक करते हैं पहले। तो उसके बाद ऑब्वियसली ये देखो इस राजी को भूख भी लगनी शुरू हो गई है। हैं सुबह भी रात वही खाया था। अच्छा मतलब सुबह सुबह भी रात का खाना खाया? मतलब पक्का हुआ खाना खाया जो मजबूत हो गया हो? नहीं नहीं गर्म खाया सॉफ्ट करके। अच्छा तवे के ऊपर रखो और थोड़ा पानी डाल दो साइड में। ठीक है ठीक है ठीक है। चप्पल 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 कर रहे हैं जो आप करते हैं इनका तो ये सब चलता ही रहेगा। चलो नई स्वेटशर्ट दिखाता हूँ आपको जबरदस्त क्लास जो मुझे चाहिए होती है। क्योंकि मेन यार प्रॉब्लम ये क्या है कि ज़्यादा ना वाइट नहीं मिलता कहीं और वाइट अपनी रिक्वायरमेंट होती है। आप देख सकते हो आज अटायर कैसा है, उसी वजह से वाइट मेरी सॉफ्ट प्रायोरिटी रहती है। खासतौर पर जब गुरु जी के पास जाना हो तो उस टाइम पे और ज़्यादा होता है कि वाइट कुछ मिल जाए बढ़िया सा। मैंने जब स्वेटशर्ट देखी मुझे बहुत पसंद आई, अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या था कि उस टाइम पे साइज़ अवेलेबल नहीं था, तो छोटा साइज था वो मैंने सर्विसिंग के लिए ले लिया था। वो जो साइज़ मैंने ऑर्डर किया हुआ था तो इन्होंने कहा आप एक दिन बाद या दो दिन बाद आके ले जाना, कल तो आया नहीं यार लोड़ी का मज़ा करते रहे। तो आज हम लोग आए हैं तो चलो अब चल के पिक करते हैं। आ गए प्यूमा के स्टोर पे। हेलो हाउ आर यू? एक मेरी स्वेटशर्ट ऑर्डर की थी वाइट कलर की परसों। हाँ अभी ये मत बोलना कि आई नहीं है, अभी आपने बोला था कल आ जाएगी। ये तो बोल रहे थे वो लास्ट पीस है भाई, कौन कैसे कर लो वो बड़ा साइज है ना भैया, अगला ने सामान बेचना भी है। आ गया अपना अपर, ये देखो ये आ गई नहीं। अब इस पे सबसे ज़बरदस्त जो है ये वाला है लोगो BMW का। हमें स्वेटशर्ट के ऊपर डाल रहे हो तब भी अच्छा आ रही है। फिर आप लोग भी बताना कैसी लग रही है, ठीक है कमेंट में बताना। कमेंट में हाउ इज़ यू लुकिंग स्मार्ट ना।
सेक्सी बॉय। कमेंट में बताओ सब लोग कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है। अभी इसको पैक कर देते हैं। नहीं टैग बार लटका के ऐसे ही डाल लो ना। न्यू खरीदी न्यू देख लो हालत देख लो आप लोग। एक मेरी सिर्फ स्वेटशर्ट आनी थी और ये तीन लोगों के पैर आए हैं। ठीक है मतलब इसने डाले नहीं है। हाँ ये आप लिफाफे चेक करो। ये मैडम के शूज साथ में, ये मुकर नहीं सकते कि मेरे शूज नहीं लिए थे। नहीं मैंने मारा था। और आपको दिखाता हूँ ये देखो, ये करण सिंह की चप्पल भी आई है साथ में। मेरी एक स्वेटशर्ट मुझे महंगी पड़ गई, भारी पड़ गई बहुत ज्यादा। कोई बात नहीं, माता भी खुश हो गई। हाँ पंजाबी कहते सारे जुतियाँ बहुत आती हैं। समझ जाएंगे सबको पता है ना कि जूते पड़ना क्या होता है, तो बस वही है कि पंजाबी में सबको जूते पड़ गए। मैडम कहती सबने शूज चेंज कर लिए, मैं पीछे क्यों रहूँ। अभी ये मैडम शूज नए पहन के जाएगी यहाँ से। ये देखा जेलसी का लेवल क्या होता है, ये होता है जेलसी का लेवल। शॉपिंग होनी चाहिए भाई, पहले सोचना पड़ता है घर में कौन से शूज डालो, एक और ऐड हो कौन से डालो। ये सोच बनी रहनी चाहिए। ये देखो सबके न्यू शूज, एक पैर एक मिनट न्यू पिंच सबको न्यू पिंच तो बनती है भाई। एक न्यू पिंच घर पे है अभी। एक गोलगप्पे खाए जा रहे हैं, असलियत सामने आती हुई। तो जी माता जी तो अपना इडली डोसा खा के फ्री हो गए। सहदेव सिंह जी ने अपना ऑर्डर किया पिज़्ज़ा डोमिनोज से, अब वो आएगा। भाई मुझे तो पसंद है मालावरी परौठा, तो मैंने तो अपने लिए परौठा ऑर्डर किया। नेक्स्ट सेशन खाने तो यार तो खाओ, मैं खाने मना किया। हाँ पर मेरे को लगी भूख तो मैंने खाने नहीं। खाओ 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 खाओ। ये छोटा था ना तो आराम से खाया गया। सहदेव सिंह का पिज्जा तो आ गया। ये कौन सा अच्छा देव? मार्गरेटा। सिंगल चीज डबल चीज? सिंगल चीज। यही पसंद है। चलो समझ नहीं आता इसको पसंद क्या है। किसी भी जगह से पिज्जा खरीदने का तो जो देती है प्लीज तो सॉस और वो टेस्ट करने में मार्गरेटा बेस्ट। ये एक्सपर्ट साहब की एडवाइस सुनो। अब आया अपना ऑर्डर, ये है मालाबारी परौठा, मेरा परौठा और इसके पापड़ तो सांभर चावल। चलो ठीक है वो आ रहे हैं, अपन ये लेके चलते हैं और खाना शुरू करते हैं। ये आ रही सिमरन कौर अपना ऑर्डर लेके। दोस्तों ये पहुंच चुका हूँ वहीं जहाँ से सुबह हमने अपने व्लॉग की शुरुआत की थी, आज के दिन का सफ़र शुरू किया था। आज का दिन तो बहुत मस्त बीता। आपके सामने ये भैया गुरुजी के भी दर्शन हो गए, जो सबसे ऊपर मेरे लिए चीज़ है कि गुरुजी के दर्शन करना वो भी किए। और उसके बाद जो मेरा खर्चा हुआ भैया आपको मैंने दिखाई दिया, मतलब एक छोटा सा काम करने गए थे अपनी स्वेटशर्ट लेने गए थे, करते 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 गए मोटा खर्चा सबने करवा दिया। चलो करवा दिया तो करवा दिया, कोई इशू नहीं है, लेकिन इतना है कि आज का दिन बहुत बढ़िया बीता, बहुत मज़ेदार बीता। तो चलिए आज इस व्लॉग को हम यहीं पे खत्म करते हैं, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड स्टे हेल्दी स्टे ब्लेस्ड, साइनिंग ऑफ जगजीत सिंह, बाय।